back to my channel and my name is Preeti Pandey और आप लोग जानते हो कि मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके सारे टॉपिक्स लेके आ रही हूँ। तो मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स, और वो किस बेस्ड पे है, वो है हमारे पुराने वीडियो पे मैंने जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाया था उसी पे बेस्ड है ये। कुछ मैं 4-5 न्यूमेरिकल्स यहाँ आज करवाऊंगी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ 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 में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो में चलते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक शेयर जल्दी जल्दी से कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। तो हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में मैंने अभी आपको बताया था कि हमने डिस्कस किया था कि प्राइस इलास्टिसिटी होता कैसे है और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इलस्ट्रेशन से पढ़ने वाले ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए। साथ साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार पीडीएफ भी डाल दूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन का, इसलिए आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेना एंड मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी कर सकते हो अगर कोई क्वेरी होती है। तो देखते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो पहला है दैट व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम ₹20 पर यूनिट टू ₹23 पर यूनिट। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कभी भी अगर कोई गुड का प्राइस राइज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है 20 से 23 यूनिट, मतलब पहले कितना था 20 था, फिर कितना हुआ 23 हो गया। तो यहाँ पर प्राइस दिया है 20 और P1 दिया है 23। अब हम लोगों को इसका चेंज इन प्राइस निकालना है। चेंज इन प्राइस क्यों निकालना है, क्योंकि हम आगे अभी फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, P1 - P। तो P1 - P हमने चेंज इन प्राइस निकाल लिया, वो है हमारा ₹3। अभी हमारा चेंज इन प्राइस है, फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ही 20 से 23 पर यूनिट होता है प्राइस, वैसे ही डिमांड जो है वो फॉल हो जाती है बाय 30%। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना कि फॉल हो रही है। आप लोग जानते हो कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड फॉल होती ही है, ये तो पता ही है। लेकिन जब भी फॉल होगी तो हम लोग उसको माइनस में मेंशन करेंगे, हम लोग उसको पॉजिटिव मेंशन नहीं करेंगे। अभी हम आगे यहाँ पर यूज भी करेंगे उस चीज को। तो हम लोगों के यहाँ पे मेंशन है परसेंटेज चेंज किसका, क्वांटिटी डिमांडेड का, इसीलिए हमें परसेंटेज चेंज प्राइस का भी निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस का, चेंज इन प्राइस अपॉन P × 100। तो चेंज इन प्राइस हमने निकाला था 3, पी तो हमारे पास 20 गिवन है, इंटू 100। तो इसको जब मैं कट करूंगी 5, तो 5 × 50, तो हमारा 15% जो है इंक्रीज हुआ है या चेंज हुआ है प्राइस में। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें गिवन है 30%। अब मैंने यहाँ पे माइनस लिया है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अगर फॉल होगा तो वो माइनस में ही आने वाला है, तो ये माइनस आ गया। बस अब हम लोग उसको फॉर्मूले से जो हमें फॉर्मूला गिवन है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप लोग जानते हो कि हम लोगों का माइनस साइन तो आता ही है ईडी जब निकाल रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे क्या है -30 भी तो गिवन है। तो -30 - -30 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 30 अपॉन 15 माइनस माइनस कैंसिल हो चुके हैं, तो आंसर आ गया हमारा 2। तो इलास्टिसिटी जो है हमारी वो है 2। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, तो आप लोग उससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि आप लोग अलग अलग फॉर्मूलेज यूज कर सकते हो, तो मैं अभी सारे ही ऑलमोस्ट जितने फॉर्मूलेज हैं, जितने टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, वो कवर करवाऊंगी। तो एक तो टाइप था कि हम लोग परसेंटेज के थ्रू निकाल रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा इलस्ट्रेशन। अब हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन वो है फॉर अ कमोडिटी व्हेन चेंज इन प्राइस अपॉन पी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोगों ने पुराने वाले क्वेश्चन में चेंज इन प्राइस अपॉन पी इनटू 100 निकाला था, यहाँ पे हमें चेंज इन प्राइस अपॉन पी दिया हुआ है, ये परसेंटेज चेंज नहीं है। इज इक्वल टू 0.2, हम लोगों को नॉर्मली एक फॉर्मूले का पार्ट दिया हुआ है। फिर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -0.6, ईडी इज इक्वल टू -0.6 और हम लोगों को मेंशन है ये 0.2, ये चीज मेंशन है, ये भी माइनस में है। तो चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं इसमें हम लोग चेंज इन प्राइस अपॉन पी इनटू 100। चेंज इन प्राइस अपॉन पी तो दिया है 0.2 -0.2 इनटू 100, तो ये मेरा निकल जाएगा 20% -20% -20% प्राइस में लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस होगी वो फॉल हो रही होगी, इस वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही होगी।
तो हमें निकालना है फाइंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमें क्या क्या दिया है, हमें चेंज इन प्राइस हमने यहाँ से निकाल लिया, ईडी हमें ऑलरेडी दिया है, बस उस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ईडी हमें कितना दिया है, -0.6 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि क्या है -20%। तो इस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को आज जैसे रहने दो तो इनटू में चले जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 12%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा आ गया 12%। तो ध्यान रखना है मेन चीज कि हम लोगों को ये कभी कभी मेंशन होता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये डायरेक्ट हमें परसेंटेज ही दिया है। नहीं, ये परसेंटेज नहीं दिया है, हमें इसको इनटू 100 करके कैलकुलेट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। अभी हमारा थर्ड इलस्ट्रेशन, उसमें आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान रखना यूजुअली जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली टोटल एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी डिमांड समझ लेते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है कि हमें प्राइस दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। अब टोटल एक्सपेंडिचर अगर हमें दिया है कि हमने कितना खर्चा किया किसी भी प्रोडक्ट पे और आपके पास उस चीज का प्राइस दिया है, तो आपको पता चल सकता है कि आपकी कितनी डिमांड थी। अगर आपके पास किसी चीज का खर्चा दिया है कि हाँ बाजार में गए और आपने इतना अमाउंट पे खर्चा किया और आप लोगों को पता है कि उस पर्टिकुलर जो भी कमोडिटी थी, जो भी वो प्रोडक्ट था, वो कितने रुपए का है, तो आप निकाल सकते हो कि आप कितना अमाउंट लेके आए हो। नहीं, तो आप निकाल सकते हो कि आप कितना क्वांटिटी लेके आए हो। कैसे, क्योंकि जितना खर्चा किया है और आपको प्राइस पता है तो क्वांटिटी डिमांडेड निकाल सकते हो कि आप कितना प्रोडक्ट लेके आए हो। कैसे निकालोगे, टोटल एक्सपेंडिचर आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है, साथ साथ में आपको प्राइस दिया हुआ है, तो ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड निकल सकता है। एक एग्जांपल की तरफ से देखते हैं। मान लीजिए कि आप 100 रुपीज की पेन लेके आ गए और आपको निकालना है कि पेन कितनी लेके आए, लेकिन आपको क्या पता है, आपको पता है कि एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है। पूरा खर्चा कितना हुआ है, 100 रुपीज हुआ है। एक पेन कितने की है, 10 रुपए की, तो आपको पता चल जाएगा आप कितना यूनिट्स पेन लेके आए हो, 10 यूनिट्स पेन लेके आए हो। सेम चीज यहाँ पे करनी है, 600/4 हमारा 150 हो जाएगा, उसी तरीके से 525/5 हो जाएगा हमारा 105। अब हमारा क्योंकि डिमांड निकल चुका है, बस नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, P=4, P=5 दिया है, Q150 है और Q1 105 है। इससे मेरा निकल जाएगा चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है, Q1 - Q, तो Q1 - Q आ गया हमारा -45 यूनिट। -45 यूनिट आप लोग यहाँ से देख भी सकते हो, माइनस में है मतलब डिमांड हमारा डिक्रीज हुआ है। देख लीजिए डिमांड यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, और डिमांड कब डिक्रीज होती है, जब हमारा प्राइस बढ़ता है, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ा भी हुआ है। फिर देखते हैं हमारा चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना है, P1 - P, 5 - 4 इज इक्वल टू ₹1। तो 1 रुपए के बढ़ने के वजह से हमारे 45 यूनिट्स में डिक्रीमेंट हो गया है। बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, P/Q (Change in Q)/Change in P, माइनस तो लगेगा ही आगे से हमेशा। P है हमारा 4, Q है हमारा 150, P4 150 इधर दिया है, इंटू चेंज इन क्वान्टिटी कितना था, -45 जो कैलकुलेट किया था, फिर चेंज इन प्राइस दिया है 1। इसको हम लोग काट लेते हैं, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करते हैं पूरा, तो हमारा आ जाएगा ED=1.2। इसको पूरा सॉल्यूशन करके बस ध्यान रखना है माइनस का। मोस्टली जहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है वो आता है कि माइनस को लिखना भूल जाते हैं, और दूसरा कंफ्यूजन आता है कि डायरेक्टली इसको डिमांड समझ के कैलकुलेट करने लग जाते हैं। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना इम्पोर्टेंट है। हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है, बस हमें इसमें हर एक चीज को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹1500, यहाँ क्या लिखा है, स्पेंड्स लिखा है ₹1500, मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा ये। मैंने समझाया था बनाने वाले क्वेश्चन में कि टोटल एक्सपेंडिचर होता है, डिमांड नहीं होता। तो कंज्यूमर ने ₹1500 खर्च किए ऑन अ गुड प्राइस दैट ₹10 पर यूनिट। कंज्यूमर ने खर्चा किया है ₹1500 टोटल खर्चा किया है, ₹1500 टोटल खर्चा हुआ है किस पे, 10 पर यूनिट की जब प्राइस थी उस प्रोडक्ट की, 10 पर यूनिट उसकी प्राइस थी।
तो ये प्राइस वन हो सकती है, इसको मैं भी आगे समझाऊंगी। व्हेन प्राइस राइजेस बाय 20% द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू स्पेंड ₹1500। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले भी ₹1500 का ही खर्चा हो रहा था और अभी भी ₹1500 का ही खर्चा हो रहा है, लेकिन हुआ क्या है, 10 पर यूनिट पहले था प्राइस और अभी 20% से बढ़ गया। तो देखते हैं कि नया प्राइस क्या होगा। इनिशियल प्राइस क्या है हमारा, 10 है जो मैंने अभी बताया। बोला है राइजेस बाय 20%, राइज इन प्राइस बाय 20% मतलब 10 का 20% निकाल देंगे 2 आ गया, तो ₹2 से प्राइस बढ़ गया, तो नया प्राइस क्या हो जाएगा, 10 + 2 = 12। तो ये तो है हमारा नया प्राइस, मतलब पी था ये, P1 है हमारा 12। अब हम लोगों को क्या दे दिया है, पी दे दिया है 10, P1 दे दिया है 12। अब हम लोगों को जो फॉर्मूला यूज करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालना है परसेंटेज चेंज मेथड से, तो हमें चेंज इन प्राइस चाहिए होगा, तो निकाल लेते हैं। पी दिया है 10, P1 हमने अभी अभी निकाला है 12, तो चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा, P1 - P मतलब 12 - 10 = 2। तो चेंज इन प्राइस है हमारा 2। अभी हमारा Q = 1500/10। अभी 1500/10 कैसे आया, मैंने आप लोगों को समझाया था कि टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 1500 है, पी क्या था हमारा 10, तो 1500/10 से मेरा 150 यूनिट्स आ गया। फिर है Q1, यहाँ पे Q1 मैंने लिया है 1500/12। अब आप लोग बोलोगे मैम सेम एक्सपेंडिचर कैसे आ गया, तो सेम एक्सपेंडिचर इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर लिखा है द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू स्पेंड 1500, वो अभी भी ₹1500 ही खर्च कर रहा है, पहले भी 1500 ही खर्च कर रहा था, तो ₹1500 टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन प्राइस में तो चेंज आया था 12, तो 1500/12 हो जाएगा हमारा 125 यूनिट्स। बस नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, चेंज इन Q = Q1 - Q, 125 - 150 यूनिट मतलब -25 यूनिट्स हमारा चेंज इन क्यू आ गया। अब बस हम लोगों के पास पी है, P1 है, चेंज इन प्राइस भी है, हमारे पास क्यू भी है, चेंज इन क्यू भी है, तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो मैंने ये सारी फिगर्स यहाँ पर लिख दी हैं, जो भी हमने कैलकुलेट किया और जो भी हमें जरूरत है, तो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटेड फिगर्स पी तो हमारा 10 था, हम लोगों को यहाँ दिया ही हुआ है, चेंज इन प्राइस हमने अभी पुरानी कैलकुलेशन से निकाल लिया था 2 था, क्यू हमारा 150 था ये भी हमने कैलकुलेट किया था, चेंज इन क्वांटिटी था हमारा -25 यूनिट्स। माइनस का ध्यान रखना, इसके वजह से हम लोगों के आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इनटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, यहाँ पर माइनस था, इक्वल्स टू क्या हो गया, मैंने बस फॉर्मूले में पुट कर दिया है सारे चीजों को, पी कितना दिया है 10 लिख दिया, क्यू कितना दिया है 150 यहाँ लिख दिया, माइनस तो आगे से आएगा ही, इनटू चेंज इन क्यू हमारा है -25 और चेंज इन प्राइस हमारा 2, इन सबको जब मैं कैलकुलेट कर लूंगी 5 upon 6 हमारा इन शॉर्ट आ जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0.83। माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। आई गेस आप लोगों को अब कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, मैंने मैक्सिमम जो टाइप्स हैं वो कवर करवा दिए हैं। साथ साथ में मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस PDF को डाउनलोड करना और डाउनलोड करके सॉल्व करना, उसमें कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे गिवन नंबर पे, या फिर आप कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट कर सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।